अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं आइस टी किस तरीके से बनाती हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पुदीना, एक दो पत्ते आप ले लें उसको फ्रेश, और साथ में एक गिलास दूध, शुगर एंड एक आपको चाहिए होगा चाय की पत्ती चाहिए होगी, वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं चूँकि लिप्टन यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक देगची में पानी गर्म करें, उसमें एक चम्मच चाय की पत्ती और दो चम्मच चीनी के डालें। दो चम्मच चीनी के इसलिए कि दो चम्मच चीनी के जो है वो नॉर्मल चीनी होती है। आमतौर पर जब कभी नॉर्मल चीनी का कहा जाता है तो उसका मतलब होता है दो चम्मच। इसको आप अच्छे से पकाएं, जैसे ही पानी बॉयल हो जाए, चाय को उबाल आ जाए, तो चूल्हा बंद कर दें और इसको स्ट्रेन करके आप लोग एक बर्तन में निकाल लें सेपरेट, ताकि आप इसको अब ठंडा करके आप इसमें आइस टी बना सकें। तो अब मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया, अब मैं इसको ब्लेंडर में डालूँगी। मैं इसको गर्म पानी ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दी है अभी आपको दिखाने के लिए, बाद में आप लोग जब बनाएं तो आप इसे ठंडा यूज़ करें। इसमें डालिए एक गिलास दूध एंड आप डालें इसके अंदर पुदीने के पत्ते। अब आप इसमें बर्फ़ डालें, बर्फ़ डाल के अब आप इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के लिए कोशिश करें कि इसको दो से तीन बार अच्छे से ब्लेंड करें, क्योंकि इसमें पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं तो उनका अंदर मिक्स होना और उसका फ़्लेवर अच्छे से निकलना बहुत ज़रूरी है। पुदीने के पत्ते से आपको बड़ा एक रिफ़्रेशिंग सा फ़्लेवर मिलेगा। और चूँकि बर्फ़ आप डाली हुई है तो गर्मियों में आपको पता है कि हम लोग ठंडी ठंडी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उस लिहाज से ये आपके लिए बहुत बेस्ट हो गई। ये मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। चलो जी, ब्लेंड ये हो गई है, अब मैंने इसको निकालना है अपने ग्लास में। मैं ग्लास में डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप किस में सर्व करें, आप कप में सर्व करें, आप मग में सर्व करें, इट्स योर चॉइस। ग्लास में इसको डालें, देखें आप, मेरी आइस टी तैयार हो गई है। ज़्यादातर लोग तो आइस टी दूसरे तरीके से पीते हैं, लाइक वो सिर्फ पानी में कावा बना के बनाते हैं, लेकिन मैं इसको दूध के साथ बना रही हूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये पुदीने के पत्ते के साथ इसको गार्निश करें एंड हैव अ गुड डे।